हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 का फर्स्ट चैप्टर चबूतरों। चबूतरों मीन्स प्लेटफॉर्म्स, मीनिंग तो यही हुआ, लेकिन आपको समझ में आया चबूतरों मीन्स क्या होता है? गांव होता है ना, गांव के बीच में एक पानी पीने के लिए या फिर बर्ड्स जो होते हैं उनके लिए वहाँ पे बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चबूतरों। उसके अंदर वाटर बास्केट मीन्स पानी नी छाबड़ी और ग्रेन बास्केट दाना नी छाबड़ी वो वहाँ पे रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? ताकि बर्ड्स वहाँ पे आए और पानी पी सके और दाने भी खा सके। तो हम देखते हैं ये ड्राइंग क्या है इसके अंदर। आपको इसमें क्या दिख रहा है? चबूतरों। सोच रहे हो कि चबूतरों क्या है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये चबूतरों है। क्या है? चबूतरों प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं। ये जो है ना, ये इसको वाटर बास्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर बास्केट। गुजराती में क्या बोलेंगे? पानी नी छाबड़ी। और यहाँ पे अंदर क्या होता है? ग्रेन बास्केट, दाना नी छाबड़ी। ऐसे भी होता है, ग्रेन बास्केट भी रख सकते हैं वहाँ पे, और ऐसे ही वहाँ पे दाने जो होते हैं वो हम डाल सकते हैं। फिर कुछ यहाँ पे तीन काऊ दिख रही है, गाय, यहाँ पे एक गोट बकरी भी बैठी हुई है, एक डॉग भी है यहाँ पे, यहाँ पे कोई इंसान भी बैठा हुआ है, कुछ घर भी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। फिर ये जो है चबूतरा, उसके बाजू में क्या है? लेडर, सीढ़ी है। फिर ये जो है, ये क्या है? इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? ओटलो, ओटलो बोलते हैं ना। द सिटिंग एरिया, इसके ऊपर ये इंसान बैठा हुआ है, आपने देखा। अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, आपेला चित्रना आधारे नीचेना प्रश्नोना उत्तर लखो। चबूतरों कोना माटे बांधवामां आव्यो छे? तो हमने देखा कि वो बर्ड्स के लिए, तो हम उसका गुजराती में क्या आंसर देंगे? चबूतरों पंखियों माटे बांधवामां आव्यो हशे। सेकंड नंबर, चबूतरा में शू नाखवामां आवे छे? तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? चबूतरा में पंखियों माटे दाणा अने पाणी नाखवामां आवे छे, या फिर ऐसे भी लिख सकते कि चण अने पाणी नाखवामां आवे छे। थर्ड नंबर, चबूतरा पर छत शा माटे छे? अब इंसानों का घर होता है, अगर बारिश आ रही है, धूप है, तो हम क्या करेंगे? अपने घर में चले जाएंगे ना। तो ये बर्ड्स कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए ये बनाई जाती है, उसके ऊपर वो इसलिए बनाते हैं ताकि अगर कभी बारिश हो रही है तो वो वहाँ पे जाके बैठ सके। तो हम क्या लिखेंगे? चबूतरा पर छत शा माटे होई छे? तो उसके लिए हम आंसर ऐसा लिखेंगे कि तड़कामां के वरसादना समय पंखीओ त्यां जई बेसी शके ते माटे तेनी पर छत होई छे। पंखीने पाणी पीवा माटे शी व्यवस्था छे? बर्ड्स जो है उनको पानी पीने के लिए क्या है? तो वहाँ पे वाटर बास्केट रखी हुई है। तो हम क्या लिखेंगे गुजराती में आंसर? कि पंखीने पाणी पीवा माटे पाणीनी छाबड़ी मूकेली छे। निसरणीनो शो उपयोग थतो होय छे? लेडर जो आपने देखी, सीढ़ी, उसका क्या यूज़ होता है? तो अब चबूतरा बनाया है तो वहाँ पे हर रोज दाने भी डालने पड़ेंगे, पानी भी डालना पड़ेगा, तो कैसे डालेंगे? तो उसके लिए उसका यूज़ होगा सीढ़ी का। तो हम क्या लिखेंगे? निसरणी नो उपयोग पंखियों माटे चण अने पानी नाखवा माटे थाय छे। चित्र में क्या क्या प्राणियों जोवा मळे छे? ये जो ड्रॉइंग थी, पिक्चर जो थी, आपने जो देखी है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स है? तो हमने क्या क्या देखा था? काऊ, गोट और डॉग। तो हम क्या लिखेंगे? चित्रमां गाय, बकरी अने कूतरो जोवा मळे छे। क्वेश्चन नंबर 2, चबूतरा विषे 5 वाक्यो लखो। ये जो आपने देखा चबूतरा, उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पूरे गुजराती में लिखने हैं, तो सुनिए। चबूतरों पंखियों माटे बांधवामां आवे छे। चबूतरामां दाणा अने पाणी नाखवामां आवे छे।
चबूतरा पर छत पण बांधवामां आवे छे, जेथी पंखीओ वरसादना समये के तड़को होय त्यारे त्यां जई बेसी शके। हो गए हमारे सेंटेंस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। नीचे आपेलू चित्र जो है तेना विषे लखो। ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये हमें देखनी है और इसके बारे में लिखना है। तो क्या है ये, कहाँ का है, आपको दिख रहा है? अब ये सा तो सिटी में तो होगा नहीं, कोई विलेज का ही होगा, गांव का। तो हम क्या लिखेंगे कि आ चित्र कोई गांव नो छे, और गांव का तो है लेकिन ये मॉर्निंग का है या इवनिंग का? तो मॉर्निंग का है। तो हम क्या लिखेंगे, आ चित्र कोई गांव नो छे, सवारना समय नो छे। आ चित्र में केटलाक मानसो पोताना काम पर जई रहिया छे, एक रिक्षा पण देखाई रही छे, केटलीक गामनी स्त्रीओ नदी किनारे थी पाणी भरी अने पोताना घर तरफ जई रही छे, तो केटलीक गामनी स्त्रीओ त्यां बेसीने कपड़ा धोई रही छे। अमुक व्यक्તિઓ માણસો પુરુષો જે છે તે પોતાના કામ પર જઈ રહ્યા છે। અહીંયા ચબૂતરો પણ દેખાઈ રહ્યો છે, થોડે દૂર ગામના મકાન ઘર દેખાઈ રહ્યા છે, અહીંયા પર્વત પણ દેખાય છે। પર્વત મીન્સ માઉન્ટેન્સ, ઓકે? તો પર્વત દેખાઈ રહ્યા છે, ઝાડ પણ દેખાઈ રહ્યા છે। દે દિયા હમને ઇસકા પૂરા કા પૂરા ડિટેલ, યહાં પે હમારા ચેપ્ટર ફિનિશ હુઆ।